इस दुनिया में लोगों के खाने पीने के बहुत अलग अलग तरीके हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन के लिए बहुत ज़्यादा लत लग जाता है। इस वीडियो में आपको इसके बारे में और इसके बारे में पता चलेगा कि ये लोग क्या क्या खाते हैं। कुछ अजीब तरीके से ही ये लोग कुछ भयानक चीज़ खा लेते हैं जिसको सुनने के बाद आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। आज जो मैं जिसके बारे में बताने वाला हूँ, ये लोग जो चीज़ खाते हैं उसके बारे में सुनने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा ये तो अलग बात है, लेकिन ये लोग क्यों खाते हैं, इसे छोड़ते क्यों नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस वीडियो के जरिए आपको एंड में पता चलेगा कि ये लोग इसे खाते क्यों हैं और इसे छोड़ क्यों नहीं सकते हैं। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहने वाला ये पकीरप्पा ईंट पत्थर और रेत खाते हैं क्योंकि इसकी बहुत तरह से बुरी आदत लग चुका है। एक प्रकार से इसे लत लग चुका है कि ये ईंट खाए बिना नहीं रह पाते। इसे खाना पीना तो बिल्कुल हजम नहीं होता, ये सिर्फ ईंट पत्थर ही खाते हैं। इस भाई साहब से पूछा गया कि आप ये सब क्यों खाते हैं, आप इन सबको छोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो भाई साहब का एक जवाब आया कि मैं दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन इस ईंट पत्थर को खाना कभी नहीं छोड़ सकता। पकीरप्पा की माँ और उसके फ्रेंड उसको बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि आप ये बिल्कुल भी ना खाइए, आपके लिए अच्छे भोजन बनाया जाएगा, लेकिन वो पकीरप्पा किसी की नहीं सुनता और इस पकीरप्पा को ईंट पत्थर नहीं मिलता है तो ये सीधे दीवार को खाने के लिए भिड़ जाते हैं। और ये बंदा बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं लेकिन इसका कोई साथ ही नहीं था। इस बंदे को न्यूज़ चैनल वाले ने सिर्फ अपने न्यूज़ के आर्टिकल पे ही छापे हैं और इसका टैलेंट को तो अपने न्यूज़ चैनल पे कभी अच्छे तरीके से कवर ही नहीं किया है, जो कि हमारे इंडिया का मोस्ट टैलेंटेड शख्स है। इतना सुंदर टैलेंट है और इसे न्यूज़ चैनल में कवर ही नहीं किया जा रहा है। तो क्या लगता है गाइज, इसका टैलेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना ही चाहिए, लेकिन नहीं है। और वो गली में पड़े पत्थर को भी खा लेते हैं जिसको हम चबा भी नहीं पाते, उस पत्थर को खा लेता है। और हैरानी की बात तो यह है कि ये आज तक बीमार नहीं हुआ है और पेट में वो कैसे पच जाता है ये तो समझ से बात, डॉक्टर भी इसके सोच समझ से परे हैं। आखिर ये इसे खाता क्यों है, इस वीडियो का आंसर एंड में है। वीडियो का एंड तक जरूर देखते रहना कि आखिर ये इसे खाता क्यों है, आपको जरूर पता चलेगा। सो है गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये टैलेंट भी अपने इंडिया से ही है। कुसुमवती जो कि 57 सालों से हर रोज एक पाव से आधा किलो रेत खाती है और ये खाती ही आ रही है और यही उसका भोजन है, वो हर रोज इसे खाती है। और इसका शुरुआत कैसे हुआ ये जान के आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगा। तो 18 साल की बात है, 18 साल मतलब कुसुमवती जब 18 साल की थी तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो उसे एक वैद्य के पास ले गया और उस वैद्य ने उसे कंडे की राखी खाने के लिए बोला था और वो इसी तरह डेली कंडे की राखी खाती थी और वही खाते खाते अचानक से रेत में बदल गई और वो उस दिन से डेली रेत खाती ही आ रही है। सुबह नाश्ते में कुछ खाने को मिले या ना मिले, उसे समय से रेत मिल ही जाना चाहिए। वो इन रेत को एक अच्छे नदी से लाते हैं जिसे गंगा बालू कहते हैं और उसी नदी से ही वो उस बालू को खाती है जिसे अच्छे तरीके से साफ किया जाता है। अमेरिका के मिशिगन में रहने वाली एक महिला जिसका नाम है निकोल, अब ये क्या खाती है, ये दीवार खाती है। जी हाँ, ये दीवार खाती है। वो अपने घर के कई जगह से ऐसे दीवार को तोड़ फोड़ कर खा जाती है और वो ऐसे दीवार को ही खाती है जिसमें चूना लगा होता है, यानी कि दीवार के जो ऊपर में जो चूना वाला भाग होता है उसी को वो खाता है और अभी भी खाती है। और इसका शुरुआत कब हुआ, निकोल जब बचपन में स्कूल जाती थी तो उसे चौक दिया जाता था तो वो उसी चौक को खाती थी और उसी से उसका वो आदत बनते गया। शुरू में तो ऐसे चाक ही खाती थी, तो अचानक से हुआ ये कि उसकी माँ का डेट हो गया और जब उसकी माँ का डेट हुआ था वो बहुत बड़े सदमे में चले गए थे और उसी सदमे के गम में वो बहुत ज़्यादा दीवार को खाने लगी थी और उसके घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये क्या खा रहा है और वो इतना ज़्यादा मात्रा में दीवार खा लेती थी कि उसे खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। आज वो ऐसी हालत में है कि वो अपने घर के दीवार को 6 बार खाती है। निकोल ने ये बताया कि उसे जो सूखे दीवार होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, जो सूखे दीवार होते हैं उसे टेस्ट करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी तरह निकोल 1 वीक में 2-3 स्क्वायर फीट दीवार खा जाती है। खुद की दीवार खाती है ये तो अलग बात है, लेकिन वो अपने फ्रेंड यहाँ की दीवार को भी खा जाती है, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार यहाँ के दीवार को भी नहीं छोड़ती है, उसे भी खा जाती है। मतलब कि इसे समय समय में दीवार चाहिए ही। और निकोल अभी बहुत ज़्यादा शर्मंदगी महसूस करती है क्योंकि उसे पता है कि यह कोई खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन वो भी क्या करे, उसका बहुत बड़ा आदत बन चुका है, एक लत है। उन्होंने बहुत बार कोशिश किया इसे छोड़ने की लेकिन वो छोड़ ही नहीं पाए। आखिर क्यों नहीं छोड़ पाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपको एंड में पता चलेगा।
डॉक्टर भी उन्हें बहुत ज़्यादा समझाते थे कि इस बिल्कुल ना खाइए, इसे पूरे तरीके से छोड़ दी, नहीं तो जो दीवार में पेंट होते हैं उसमें जो केमिकल होते हैं उससे आपका हाईली रिएक्शन करेगा और आपको सीधे कैंसर हो जाएगा और कैंसर से आपका डेथ हो जाएगा। लेकिन वो आदत से परे तो वो खाती ही हैं, तो अभी अलग अलग प्रकार के दीवार को टेस्ट करती हैं और उसे टेस्ट करने में बहुत मज़ा आता है। सवाल ये है कि आखिर ये सब खाने में मज़ा क्यों आता है? तो आपने डोपामिन का नाम तो सुना ही होगा, ये हमारे दिमाग में रिलीज होने वाला एक केमिकल है जिसे डोपामिन कहते हैं, और ये तब रिलीज होता है जब हम कुछ अच्छे करते हैं। हम जो बार बार जो चीज़ करते हैं उससे हमारा जो दिमाग से केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे डोपामिन कहते हैं, और इसी डोपामिन से ही हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और यही डोपामिन ही होता है जो ये बार बार करने के लिए मजबूर कर देती है। इसीलिए ये लोग जो चीज़ खाते हैं इससे खाने में इन लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और अगर ये इस चीज़ को छोड़े तो इन्हें कुछ भी हो सकता है। तो डोपामिन रिलीज होने का एक ही मतलब है, जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा आ रहा है तो आप उसे बार बार करते हैं, और यही एक कारण है कि वो लोग इसी तरह से खाते रहेंगे और उसे कभी छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत बड़ा लत बन चुका है। इसी तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।